भैया, जैसे कहा कि शरीर जड़ है और जो सेल्फ है वो चैतन्य है, तो एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है तो बिना गोद में लिए उसको संतुष्टि नहीं होती है, तो सिर्फ वो चैतन्य की आवश्यकता, चैतन्य से जैसे मन में ये समझ ले कि मेरा बच्चा है, मुझे प्यार कर रहा है, मैं प्यार कर रही हूँ, तो उसको संतुष्टि नहीं होती जब तक वो गोद में उठा करके उसको प्यार नहीं करती। तो इसको हम कैसे समझें कि शरीर तो जड़ है परंतु चैतन्य को भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब केवल यूज नहीं करता, उसकी आवश्यकता भी है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पर थोड़ा सा जी बताएं। जी जी तो इसमें क्या होता है, अभी जो हमारी स्थिति है ना, तो जो हम उदाहरण ले रहे हैं माँ का बच्चे का, तो अभी मैं में ज्ञान शेष है, समाधान शेष है। तो अभी हम बहुत सारे क्रियाकलापों से बाहर से कोई सूचना लेकर स्वयं को सुखी करने का प्रयास करते हैं, बाहर से कोई संवेदना लेकर है ना, दूसरे से भाव लेकर अपने आप में सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो अभी तो जीना ऐसा है, तो अभी तो दिखेगा कि अभी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर पर निर्भर है, शरीर पर निर्भर है, अपने संबंधी पर निर्भर है, बाहर की भौतिक सारी वस्तुओं पर निर्भर है। बट ये जो बात कही जा रही है कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होती है, तो ये समझ के साथ दिखाई देता है। इस समझ के साथ देखें तो ऐसा दिखाई देता है। तो समझ के साथ हम बच्चे को गोद में ले सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि अगर बच्चे को गोद में नहीं लिया तो तृप्ति नहीं होगी। तो लेंगे भी तो बच्चे की आवश्यकता को समझ कर लेंगे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। ये जो सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं, उसको अगर हम फैला कर देखेंगे, उसका एक नेचुरल निष्कर्ष है ये जो अभी कहा जा रहा है। यदि सुख स्वभाव है, यदि सुख का स्रोत मेरे भीतर है, तो बाहर से आने वाली किसी भी सूचना पर मेरे सुख की निर्भरता नहीं है। बाहर से आने वाली सूचना का मैं सदुपयोग करता हूँ, उसके साथ बाहर मैं निर्वाह करता हूँ, इतना ही है, बट मेरी सुख की निर्भरता नहीं है। तो समझ के साथ देखें तो बच्चे को गोद में लेंगे, यदि बच्चे को गोद में लेने से बच्चे की, मैं की या शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु वो मेरे सुख का आधार नहीं होगा। तो अभी माँ की स्थिति को देखें तो माँ ना में समझ की पूर्णता हो गई है, ऐसा तो नहीं है। तो अभी तो जैसा निर्वाह हो रहा है उसको तो सब दिखाई देगा कि तीनों ही मिक्सडअप रहते हैं। थोड़ा हमें स्वभाव लगता है, कहीं हमें बाहर से मिलने वाली संवेदना का प्रभाव लगता है, कहीं दूसरे से मिलने वाले भाव का प्रभाव लगता है, अभी तो मिक्सडअप है। परंतु समझ के साथ धीरे धीरे ये जो मिक्सिंग है ये बंद हो जाता है, और हम अपने आप में ही अपने भाव विचार से सुखी हो पाते हैं। फिर दो को अलग अलग रखना पड़ेगा कि हम अभी जो करंट सिचुएशन है उसका अप्रेजल कर रहे हैं, या जो वास्तविकता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जी भैया, थैंक यू, थैंक यू।